जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। कई लोगों का एक सवाल था कि भैया आलू कैसा बनता है, पीसने के बाद किस तरीके का होता है जो हम कल्चर में डालते हैं। तो ये लगभग मैंने इसमें 6-7 छोटे आलू लिए थे, होंगे लगभग आधा किलो से 1 किलो के बीच में। इनको मैंने काट करके छील करके उबाल लिया पानी में। उबालने के बाद इसमें कुछ और पानी मिलाया और फिर मैंने इसको ये अभी देखो इधर लाओ, आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे मैंगो जूस होता है, ये लस्सी की तरह बन चुका है। अब इसको हम करेंगे और ये लगभग आपका एक 200 लीटर के बैरल में जो मदर कल्चर बनेगा या खेत में भी हम चलाएंगे तो उसके लिए स्टार्च का काम करेगा। ये देखो बेटा, क्लोज से दिखाना जरा थोड़ा सा इधर लाके, इतना मस्त बन गया ये। और ये सबसे बड़ा स्टार्च का, एक तरीके से कहें तो बैक्टीरिया का भोजन है ये। देखिए शानदार, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ये आलू है ये आलू है या ये मैंगो शेक है। अब ये बन गया मेरा लगभग जो है 5 लीटर की जर्किन है तो 2 लीटर हो चुका है। अब मैं इसको ले जाके जो मैंने कल कल्चर बनाए थे वो मैं आपको डाल दूंगा उसमें, और फिर ये मस्त तैयार होगा खेत में, एकदम धमाधम धमाके मचाएगा अंदर जाने के बाद। यही दिखाना था आप लोगों को। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।